गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो मैंने कल बताया था कि हम दूधातोली पीक पे जा सकते हैं, तो हम प्लान तो बना रहे हैं। वो सामने आपको दूधातोली पीक दिख रही होगी, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे इस साइड ज़्यादा बर्फ़ नहीं दिख रही है, लेकिन उस साइड बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो देखते हैं हम इस साइड से चढ़ेंगे। पिछली बार उस साइड से चढ़े थे तो वहाँ तो उस साइड से जाना आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो हमने सोचा कि इस साइड से जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, शायद अभी 2 घंटे बाद अब चढ़ेंगे। अभी हम नीचे जा रहे हैं। अमित नीचे गया, उसकी ड्यूटी है, और जैसे ही ड्यूटी से फ्री होगा हम वहाँ जहाँ तक गाड़ी जाएगी गाड़ी में जाएंगे। उसके बाद फिर पैदल ट्रैक है, फिर बाई फुट जाएंगे वहाँ पे। और बोल तो लोकल तो बोल रहे हैं कि 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन वो जाके ही पता लगेगा कि 2-3 घंटे लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। बाकी काफ़ी मज़ा आने वाला है, देखो बने रहो वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों अभी आ गए हैं नीचे उतर के। सेंजी नाम की जगह है यहाँ पे ये, और यहाँ की खास बात है कि यहाँ पे हमेशा आपको हरियाली मिलेगी। जो बाकी बहुत सारे पहाड़ देखे हैं वहाँ पे बहुत सारे सूखे पहाड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो हर जगह आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। हर मौसम में ऐसे ही नज़र आएगी आपको। अगर बारिश का मौसम है तो ये हरियाली और बढ़ जाती है, और ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। साथ में नदी बहती है इस साइड में यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं रामगंगा। ये गंगा में जाके मिल जाती है आगे जाके। यहाँ से अभी चलेंगे हम मैरगांव। मैरगांव तो गाड़ी जाती है, और गाड़ी वहाँ खड़ी करके फिर हम पैदल ट्रैक शुरू करेंगे। अब वहाँ से एग्जैक्ट कितने किलोमीटर का है और कितना टाइम लगेगा तो वहाँ तो वहाँ जाके पता लगेगा। बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे, और अगर हमें ठीक लगा तो आपको रिकमेंड भी करेंगे। नॉर्मल मौसम में तो काफ़ी अच्छा था, अभी थोड़ा सा ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वहाँ जाके क्या समस्या है होती है जो भी होगा आपको सामने बताएंगे। और महाराज वहाँ पर रात को रुकने का प्रोग्राम है, नाइट कैंपिंग होगी हमारी वहाँ पे। टेंट वेंट हमने दे लिए हैं, तो ऊपर जाके थोड़ा सा खतरा तो है। अमित है हमारे साथ, अभी इसको थोड़ा डर लगा हुआ है कि कोई वहाँ पर टाइगर वगैरह ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पर सुना टाइगर भी हैं और बियर भी हैं, लेपर्ड भी हैं वहाँ पर। तो डर तो रहा है वो, लेकिन हमने उसको मना लिया है, और हम अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। तो देखते हैं आगे सफ़र कैसा रहता है। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो पूरा एरिया है 45 से जहाँ हम आए हैं, और ये जो पूरा एरिया है ये यहाँ पे पूरे में स्नोफॉल होता है। सर्दियों में कई बार यहाँ पे स्नोफॉल होता है, ये पूरा एरिया बर्फ़ से कवर हो जाता है। तो अगर आप सर्दियों में यहाँ पर आओगे तो भी बहुत अच्छा है, और गर्मियों में आओगे तो भी बहुत अच्छा है। अभी पूरी तरह से धूप खिली हुई है और मौसम बड़ा सुहावना है यहाँ पर। तो अभी थोड़ी देर में हम ऊपर जाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ जाके मिलते हैं। दोस्तों एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और रास्ता देख लो आप, रास्ते का बुरा हाल है। हमने सोचा थोड़ा शॉर्टकट नज़दीक पहुँच जाए दूधातोली के, लेकिन दूधातोली के नज़दीक जाने के चक्कर में रोड का देखो क्या हाल है रोड का। ये साइडों में मलबा गिरा हुआ है, लैंड स्लाइड हो रखा है। रास्ते में बहुत सारे झरने पड़ते हैं, और रास्ता देखो आप आगे। रास्ता ये थार लेवल का है, और हम घूम रहे हैं टियागो में। आगे ये रोड है झरना है, झरने बहुत सारे मिलेंगे। रोड लेकिन एक्सट्रीम लेवल का खतरनाक हो गया है। ये सारे अमित के काम हैं, अमित ने बताया था कि वहां से नजदीक पड़ेगा। अभी दूर खड़ा खड़ा सरा है, ये है यहाँ का लोकल प्राणी। कहाँ जाना है? वो हाँ कि उसके तो बाद है, वो उसके और भी बाद में है। हाँ वो जो चोटी दिख रही है उसको क्रॉस करके उसके बाद है दूधातोली, उसके बाद है। तो गाड़ी लग नहीं रहा, गाड़ी चढ़ पाएगी, मुश्किल है।
दोस्तों ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया है, सामान ज़्यादा हो गया है और काफ़ी लेट हो गए हम, और जितना उम्मीद किया था उससे ज़्यादा है शायद ट्रैक, पता नहीं आज पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। काफ़ी हाइट में हम आ गए हैं तो देखते हैं क्या होता है। सुमित आगे आगे हैं, यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, और ट्रैकिंग हमने शुरू कर दी है। सुमित कहाँ है, आगे निकल गया? रास्ते में शायद 5 से 10 किलो, 5 से 10 तो नहीं, 6-7 किलोमीटर का रोड तो शायद खराब था। अभी तो स्टार्ट ही किया चढ़ना और एकदम खड़ी चढ़ाई है, बुरा हाल हो गया थोड़ी देर में ही। आगे बहुत ज़्यादा पता नहीं आज पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, और डर भी है रास्ते में। बाईस सौ मीटर के हाइट पे पहुंच चुके हैं अभी, रास्ता टफ है और जो सामने हिमालय है, जो पीक्स हैं, स्नोकवर्ड पीक हैं, वो सामने दिखने लगी हैं अभी। इस सामने स्नोकवर्ड पीक्स दिखने लगी हैं अभी, थोड़ा सा मौसम साफ होते सब कुछ दिखेगा, और वो गांव है पंचाली जहाँ हम रुके हुए थे, वहाँ से हम बाई रोड नीचे तक आए हैं और अभी चढ़ाई शुरू की है। आधा घंटा हो गया और अभी देख लो इतनी खतरनाक चढ़ाई है। दोस्तों हाइट 2,250 मीटर और इतनी देर में बुरी तरह से थक गए हैं, लेकिन व्यूज हैं जो बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो हिमालय है वो ज़्यादा ज़्यादा दिखता जा रहा है। अभी बादल होते हुए भी देखो कितना सारा दिख रहा है, पहले वो नहीं दिखती थी, अभी वो दिखनी शुरू हो गई है। एक और पीक पता नहीं कौन सी है, बाद में पता लगेगा, और उधर से पूरा हिमालय वो पीछे झूमर के दिखा भी। जब दुआ दुली पीक पे पूरा पहुंच जाएंगे और सुबह होगी तो ऐसा लगेगा जैसे हिमालय हमारे पास में ही है, पूरा ये पूरा कवर हो जाएगा। और जो पिछला रूट था वो अलग टाइप का था, और जो ये रूट है वो बिल्कुल अलग टाइप का है, वो पूरा डेंस जंगल था। वो जो सामने पीक दिख रही है आपको वो नहीं है, उसके बाद वाली पीक आएगी, तो अभी बहुत दूर है, पता नहीं रात तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। अब की बार यहाँ से अभी तक हमें डेंस जंगल नहीं मिला है, खुला एरिया था, ये छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, लेकिन जो पीछे ट्रैक क्या था दूसरी साइड से वो डेंस जंगल था, उसमें बहुत डर लगता था दिन के टाइम भी। आगे देखते हैं क्या होता है, कैसा मिलता है। भाई जी सिर्फ अभी तक बोलने में 150 मीटर बड़ा है, 150 भी नहीं 100 मीटर बड़ा है, 2,350 पे आए, 2,250 था और 5 बजने वाले हैं, घंटा हो गया लगभग डेढ़ चलते हुए, और आधा रास्ता सब अभी तक नहीं हुआ है और हालत हो गई है ख़राब। और ये सामने एक पीक है, इसके पीछे है वो, अब वो पता नहीं कब उसके पास पहुंचेंगे हम, मर गए अभी बुरा हाल हो गया। और यहाँ पर आ गए हैं और काफ़ी हाइट हो गई है अभी, 2,500 मीटर हो गया अभी हाइट, ठंड भी बढ़ गई है। एक जानवर ये मिला आपको, आप शायद कुछ लोग जिसको जो डिस्कवरी देखते हो पहचानते होंगे, एक जो मोर टाइप का होता है जिसके पंख की बजाय कांटे होते हैं, वो ये जानवर है यहाँ पे, इसका मतलब ये यहाँ पे रहता है कहीं, शेर को भगा जाता है ये यहाँ से चुभ हो के, देखते हैं कहीं दिखाई दिया तो। ये अमित घोड़े की तरह भागते हुए,
और ये पीछे सुमित मरे पड़े हैं, मैं और सुमित दोनों, हमारा हो गया बुरा हाल क्योंकि हम पहाड़ी आदमी नहीं है, बिल्कुल भाई। और वो अमित पहाड़ी हो गया है प्रॉपर, यहाँ रहते रहते। और भी अभी भी डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है, मुश्किल हाथ पहुँच पाना। वो चढ़ाई क्या एक्सट्रीम लेवल की चढ़ाई है, और अभी डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है, वहाँ पे जाना है। जब से ट्रैक शुरू हुआ है तब से हमें ये पहली बार यहाँ पे बर्फ़ मिली है, अभी थोड़ी सी आगे पीछे कई बार कई जगह गिरी हुई है ये, और चढ़ाई तो खतरनाक है एक्चुअल में, बुरा हाल हो गया चढ़ाई का, बहुत खतरनाक है। सबसे काम जो ख़राब हो रखा है वो है कि दिन ख़त्म होने वाला है। जोश जोश खत्म नहीं होगा भाई, चले दोस्तों। हम तुझे नीचे बर्फ पड़ी हुई है उसको देखे खुश हो रहे थे नीचे वाले को, लेकिन अभी ऊपर क्या, ये पीक पीछे, ये पता नहीं है, बाद में बताऊंगा आपको कौन सी पीक है, वीडियो में डाल दूंगा मैं। आई थिंक ये त्रिशूल होगी, पता नहीं पंचासोली भी हो सकती है, लेकिन वाह नज़ारा कमाल का है। अभी हाइट 2700 मीटर के आसपास हो चुकी है और काफ़ी बर्फ़ मिलनी शुरू हो गई है, ये देखो नीचे कितनी सारी बर्फ़ गिरी हुई है, और अभी खेलने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो भाई, वहां बहुत मिलेगी। लेट हो रहे हैं अभी हम, ओहो अंधेरा हो चुका भाई, बर्फ में से चलना पड़ रहा है और बुरा हाल हो गया है। थोड़ी दूर करके पता नहीं कितनी दूर आ गए हैं, और अभी बर्फ में चलो देखते हैं कितना टाइम हो लगता है। दोस्तों एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही हो गया आज तो, बर्तन भांडे नीचे छोड़ दिए हैं पूरे, लेके नहीं आए हैं, और सिलेंडर ने काम करना बंद कर दिया, पर बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, अगर आपको दिख नहीं रही होगी पूरी बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ पे, ये बर्फ़ से पानी बनाया अभी हमने, ये देखो आपको दिखेगी शायद अभी पूरी बर्फ़ है, बहुत ही बर्फ है यहाँ पे, ये हमने टेंट लगाया यहाँ पे, पीछे भी इसके पूरे बर्फ है, और हम जहाँ पे मैं पहुँचा था वहाँ नहीं पहुँच पाए हम अभी, क्योंकि रात बहुत हो गई है, अभी तक कुछ खाना पीना कुछ बना नहीं है, जंगली जानवरों का पूरा खतरा है यहाँ पे, इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा आगे जाना ठीक नहीं है, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद देखते हैं सुबह होते अपना, ऊपर तो शायद नहीं जाया जाएगा, पता नहीं रास्ता गलत आ गया हम शायद, यहाँ पर लाइट 3000 लगभग होने वाली है पूरी, 3000 के आसपास अप्रोक्स है, और हो सकता है हम यहाँ से वापस चले जाएँ कल, इतनी ठंड लग रही है कि खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है, कोई मैगी बना रहे हैं,
और सुमित के जूते इससे बुरी तरह भीग गए हैं, हमारे जूते बुरी तरह भीग गए हैं, सुमित ने निकाल के फेंक दिए हैं। तो दोस्तों हमने बड़ी मुश्किल से ये मैगी बनाई है आज, सारे बर्तन तो नीचे थे और टेंट का जुगाड़ मुश्किल से किया है। चलो लाइटिंग तो ठीक है हमारे पास, कम से कम पावर बैंक तो है हमारे पास, बाकी भाई इस एडवेंचर की जरूरत थी नहीं है, हमारे सैफ साहब है इसने बनाया है, ठीक है, बाकी एडवेंचर कुछ ज्यादा ही हो गया है, इतने एडवेंचर की जरूरत नहीं थी। बहुत ज्यादा ठंड है और बुरा हाल हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। जो सबसे बुरी गलती की वो लेट चलने की, हमें चलना चाहिए था सुबह के टाइम पे और हम चले शाम को 3:30 बजे, ये सोचे कि जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन इम्पॉसिबल है पहुँचना, नहीं पहुँच सकते। और अब हो गया है बुरा हाल, और लास्ट में शुक्र है कि चलो मैगी थी हमारे पास, हमने मैगी बना ली है और देखते हैं पेट किस भरता है नहीं भरता है, जितना भरेगा उतना ठीक है। सामान तो सारा था लेकिन चक्कर वगैरह नहीं लेना है। हाँ थे, सब प्याज वगैरह भी था, टमाटर भी था, सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो नाइफ की थी, चाकू हमारे पास था नहीं, नीचे बर्तन बांटे थे जो नीचे रह गए। अभी जिंदगी में पहली बार हाथ से खाना खाऊंगा मैं तो। दोस्तों सोने की तैयारी हो गई है, अभी तीनों लेट गए हैं, मैं अमित और सुमित। तो रात के कितना टाइम हो गया, 10:05, ये हमने थोड़ा बहुत खा पी के गुजारे लायक और बिस्तर लगा लिया अपना, टेंट के अंदर हैं अभी, ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन तीन आदमी हैं तो ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, कंबल भी हमारे पास अच्छा है, स्लीपिंग बैग हम लेके नहीं आए थे, कंबल इतना हमारे पास बड़ा, तीनों इसमें सेट हो गए हैं और देखते हैं रात को कुछ मिस हैपनिंग होती है नहीं होती है, उम्मीद करो दुआ करो मिस हैपनिंग ना हो। चलो सोते हैं फिर अभी, गुड नाइट।